तो आज हम देख रहे हैं सीएसएस के अंदर किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको बाय आईडी या बाय क्लास किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ने वाली है। तो ये हमारे सामने एक हमने पेज खोला हुआ है, यहाँ से इसको हम प्रीव्यू एंड एक्सप्लोरर कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करके इसको हम राइट बटन दबा के इसको ओपन विद कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करके हम इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर आके देखते हैं इसके अंदर सपोज टू बी एक मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक डिव बनाया और उसके नीचे हमने एक डिव बनाया और उसमें हमने एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ और इनमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया, और यहाँ से हमने एक और पैराग्राफ उसमें कुछ टैक्स ऐड कर दिया, दो पैराग्राफ बल्कि तीन कर लेते हैं, और इनके ऊपर हमने कुछ हेडिंग्स भी लगा दिया एट वन में। इसमें हमने लिख दिया मेन कंटेंट्स हेडिंग में, और फिर इस तरह से इसमें भी हमने लिख दिया सब कंटेंट्स। तो ये कुछ इस तरह का मामला क्रिएट हो गया, सही। मैंने मल्टीपल डिव यूज़ किए, मल्टीपल पैराग्राफ यूज़ किया, मल्टीपल एच वन यूज़ किया। अब जब इसको ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, सही है। अब हमने क्या सीखा कि सीएसएस का कोड करते हैं तो एलिमेंट को एज अ सेलेक्टर लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस का कोड मैं इसके साथ नहीं कर रहा, मैं सीएसएस की फाइल अलग बना रहा हूँ और उसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा फिर कोड करूँगा। तो मैं यहाँ से न्यू फाइल करता हूँ, सेव कर देता हूँ, और सीएसएस की फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ style.css। ये अलग फाइल बन गई css की, ये ब्राउज़र पे नहीं खोलनी है, ये जस्ट पोर्ट करने के लिए। लेकिन इस फाइल को इसके साथ कैसे लिंक करेंगे, यहाँ हेड सेक्शन में आएंगे और यहाँ के एंटर करके लिखेंगे लिंक, एंटर करेंगे और यहाँ href में style.css पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। ये हमने इस फाइल को कनेक्ट कर दिया इस फाइल के साथ। अब ऐसा हमने इसलिए किया कि html का कोड हमने अलग कर दिया और css का कोड हमने अलग कर दिया। अब हम यहाँ पे css का कोड करेंगे। तो देखिए वहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक h1 बनाया, एक p बनाया और एक div बनाया। तो div एज अ सेलेक्टर मैं ऐसे लिखूँगा, h1 एज अ सेलेक्टर मैं ऐसे लिखूँगा, p एज अ सेलेक्टर मैं ऐसे लिखूँगा। देखिए जो एलिमेंट होते हैं ना html के, उनको css में सेलेक्टर कहते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं। अब बताएं, मैं अगर एक div का, एक div की मैं width सेट करता हूँ, जैसे मैंने इसकी width सेट करी 100%, ठीक है, और मैंने इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट किया सपोज टू बी ये वाला, और मैंने उसके लिए एक हाइट चूज़ करी सपोज 400 pixels। अब आपसे सवाल है, क्या वो जो मैंने कोड लिखा है सीएसएस का इस डिफ पर अप्लाई होगा या इस डिफ पर अप्लाई होगा या दोनों डिफ पर अप्लाई होगा? हाँ, दोनों पे अप्लाई होगा। तो इसका जवाब है कि वो दोनों पे अप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं किसी पैराग्राफ के बारे में कोड लिखता हूँ, सपोज़ उसकी भी मैं जाके एक उसमें मैं एक फॉन्ट डैश साइज़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें मैं 22 पिक्सल का ये यूज़ कर लेता हूँ, फॉन्ट डैश फैमिली की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मैं एक फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ और उसमें मैं उसके कलर्स को भी डिफाइन कर देता हूँ, सपोज़ तो इसमें कलर्स में ऐसे लिख देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखें ये आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ पर आप मुझे आप बताएं कि दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई हो गया, समझ में आ रही बात? लेकिन अगर हम ऐसे नहीं चाह रहे हैं, हम इस डिफ को अलग मेंशन करना चाह रहे हैं और इसको अलग करना चाह रहे हैं पैराग्राफ को, और इस हेडिंग को अलग करना चाह रहे हैं और इस हेडिंग को अलग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जो अब तक हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। अब हम इस्तेमाल करेंगे आईडी और क्लास का। सबसे पहले हम आईडी के क्लास को, आईडी के इस्तेमाल को देखते हैं, उसको समझते हैं पहले, फिर क्लास को भी देख लेंगे। तो आईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को HTML में अलग अलग कर देंगे बाय आईडी। कैसे? आपने यहाँ पे लिखा आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन और इसका नाम आपने रख दिया, इस आईडी का नाम रख दिया हेडर। मैं आपको चूज कहूँगा कि आप इसको स्मॉल लेटर्स में रखें या आपने इसका नाम रख लिया हेड। अच्छा, ऐसा नाम रखें जो इसके एलिमेंट्स के नाम ना हो, हेडर और हेड इसके एलिमेंट्स के नाम हैं। तो आप क्या रखेंगे, सपोज आप इसका नाम रख लेते हैं माई हेड, ठीक है, और इसका नाम आप रख लेते हैं आईडी, और इसका नाम आप रख लेते हैं सपोज टू बी माई कंटेनर, सही है। ये हमने इनकी आईडीज के नाम कर दिए। अब देखें हम क्या करेंगे, अपने कोड को यहाँ पे लाके
बजाय इसके कि हम इस डिव में लिखें अपने कोड को, हम इसके लिए आईडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हैश, और यहाँ पे हम लिखते हैं माय, क्या था, हेड, माय हेड, ये आईडी बना दी, ये उसके बॉडी बना दिए। और दूसरे का बनाया था हमने माय कंटेनर, स्पेलिंग की स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए। और इस पर आईडी के लिए आप हमेशा हैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये प्रॉपर्टी उठा के यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई होगी जिस पर ये आईडी लगी हुई होगी, यानी कि इस डिव पर, और इस डिव पर उसका अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अब यही प्रॉपर्टी उठा के हम कॉपी यहाँ करते हैं और इसकी थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। सपोज टू बी इसकी विड्थ 800 कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन इस पर हुआ। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही? आ रही, ठीक है। तो आईडी से हम इसको अलग अलग कर देते हैं। अब आते हैं क्लास पर। यही काम आप क्लास पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर जो है एक जो आईडी इस पे लगाया, मैं इस H1 के ऊपर एक क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ और इस क्लास के एट्रीब्यूट में मैं क्लास का नाम रख देता हूँ। सपोज मैन एच, यानी कि मैन हेडिंग MH रख दिया मैंने, और इसका नाम मैंने रख दिया क्लास का SH, मतलब सब हेडिंग, ये मैंने क्लास का नाम रख दिया। अब CSS में क्लास के नाम को कैसे एक्सेस करेंगे? बजाय H1 लिखने के, क्लास के नाम के लिए हम लिखेंगे डॉट MH मैन हेडिंग, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट SH, यानी कि सब हेडिंग। ये दो क्लासेस हमने बनानी। अब इनके लिए जो भी प्रॉपर्टीज आप इसको सजेस्ट करेंगे, फॉन्ट साइज इसका कितना रखना है, सपोज 32 पिक्सल कर दिया, फॉन्ट का कलर कितना रखना है, सपोज तो भी हमने यहाँ पे फॉन्ट का कलर यहाँ पे क्लिक करके ये रख दिया, और फिर हमने जो उसका फॉन्ट की फैमिली है उसको कैसे रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने जो चाहे फॉन्ट फैमिली पे रख दिया। और अब ये अप्लाई होगा MH जिसकी क्लास होगी। तो देखें MH जिसकी क्लास है मैन हेडिंग पर ये इम्प्लीमेंट हो गया। SH के ऊपर अगर हमने लगाना है तो फिर इसके लिए भी हमें फॉन्ट डैश साइज करके इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया, 32 से कम करके हमने इसको 28 पिक्सल कर दिया, और यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को हमने चेंज करके चेंज किया, और यहाँ से हमने इसका कलर रख दिया सपोज सी ग्रेन, और यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट डैश फैमिली पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से हम इसका फॉन्ट ले लेते हैं गिल सेंस पर, और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए इसका फॉन्ट ऐसा हो गया, मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से जाके इसको कर सकता हूँ चेंज, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये चेंज हो गया। समझ में आ गई बात? ये तो क्लास कैसे डिफाइन करते हैं और आईडी कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब मिसाल के तौर पे जो आईडी हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ये जो आईडी है, ये जो स्पेसिफिकेशन है इस आईडी की, हम अगर आगे जाके एक और यहाँ पे क्लिक करते हैं, सपोज टू बी एक और डिव बनाते हैं, और अभी ये डिव खाली है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हम इस पर वो आईडी लगाएंगे, क्या नाम था उस आईडी का, माई हेड, तो जैसे माई हेड यहाँ लिखेंगे तो आप नोट करें कि इस पर भी वही स्पेसिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी। हमें बार बार वो स्पेसिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यूँ समझें कि आपने अपना एक स्टाइल बना के आईडी की सूरत में रख दिया है, अब जिस पर वो स्टाइल देना है वो आप उस पर अप्लाई कर देंगे, और जिस पर वो स्टाइल नहीं देना है उस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप माई हेड की जगह पर माई कंटेनर वाला स्टाइल देना चाहते हैं तो माई कंटेनर लिख देंगे इसमें, और फिर इसके ऊपर वही कंटेनर वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते, क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आईडी हटाएंगे, क्लास लगाएंगे, और आप यहाँ पे लिख देंगे सपोज MH, तो MH की क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि वो हमने हेडिंग फॉन्ट के अतबार से बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम क्लास और आईडी बना के अपने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग आईडीज बना के उन पर अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। भले एक ही एलिमेंट को आप 10 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, उनकी 10 अलग आईडीज बना दें, उनको 10 तरीके से अलग तरीके से आप उसको कर सकते हैं। सही है? ये समझ में आ गई बात? ये अच्छा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जाके एक और आईडी बनाने की कोशिश करें सेम नेम से, तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और हम यहाँ पे जितनी आईडीज और क्लास चाहें हम इसमें बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं।